अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट तारिक आपके साथ है। आपको एक खबर देता चलूं कि नून लीग की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी पासपोर्ट मंसूख होने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीज़ा में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बरतानिया में मजीद क्याम के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अपने क्याम के लिए 6 माह की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर बरतानिया हुकाम ने मुस्तरद कर दिया है। तयशुदा कानून के मुताबिक बरतानिया आने के बाद मुसलसल 6 माह रहने के बाद बरतानिया में मजीद नहीं रह सकते। मजीद रहने के लिए आपको एक दफा बरतानिया छोड़ना होगा और फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। मगर नवाज शरीफ 1.5 साल से बरतानिया में है और इन्हें पहले भी बरतानिया में मजीद क्याम के लिए 6-6 माह के बाद रिलीफ मिल चुका है। मगर इस बार बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने नवाज शरीफ के मजीद क्याम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और साथ ये भी कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं। जब तक फैसला नहीं हो जाता वो वहाँ रह सकते हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी, आपके साथ हमने पेश की है। बहुत शुक्रिया, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।